हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कैनन G2012 में P07 एरर क्यों आता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रिंटर P07 आ रहा है, तो इसको पहले हम प्रिंटर को ऑफ करेंगे। प्रिंटर को ऑफ करने के बाद हम पावर बटन को प्रेस करेंगे और स्टॉप को 5 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद से छोड़ देंगे। देखते हैं, जब तक लाइट ना रुके तब तक हमको कुछ भी प्रेस नहीं करना है। देख सकते हैं लाइट रुक गया है। इसके बाद हम स्टॉप बटन को 4 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4, और पावर बटन को 1 बार, फिर स्टॉप बटन को 3 बार, 1 2 3, फिर पावर बटन को 1 बार, फिर स्टॉप बटन को 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर पावर को 1 बार दबाएंगे और फिर रुक जाएंगे। इसके बाद से एक पेपर प्रिंट आउट होगा। अपने ट्रे में हम पेपर को प्रॉपर रखेंगे, नहीं तो फिर P03 का एरर आ जाएगा। देख सकते हैं एक पेपर प्रिंट आउट हुआ। उसके बाद से हम पावर ऑफ कर देंगे प्रिंटर का। पावर ऑफ होने के बाद देख सकते हैं पावर ऑफ हो रहा है। फिर हम पावर को ऑन करेंगे। एक प्रिंट आउट होगा। देख सकते हैं यहां पर प्रिंट आउट में 0 और एक सिंबल आ रहा है हमारे पास। इसके बाद से हम फिर से ब्लैक बटन को प्रेस करेंगे, जीरोक्स वाला। वेट करेंगे। देख सकते हैं 1 हो गया है, हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। अब हम एक प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट आउट। देख सकते हैं हमारा प्रिंटर प्रॉपर रेडी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके बाद जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसको आप लोग देख सकें।